झारखंड के चुनावी समर में सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में लग गई हैं। हर कोई अपने गठबंधन के साथ सीटों के तालमेल पे जुट गया है, लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी और आजसू तो इनकी जो बातचीत है वो अंतिम चरण में है और कहीं ना कहीं जल्द अपनी ये जो सीट की शेयरिंग है उसे घोषणा जल्द करने वाले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। बीजेपी अपने घटक दलों के साथ सीटों के फॉर्मूले को लॉक कर चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत के साथ जुटना चाहती है। मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह के साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की हुई बैठक में एनडीए का स्वरूप लगभग तय हो चुका है। माना जा रहा है कि आजसू सुप्रीमो और गृह मंत्री के बीच एक बैठक हो सकती है जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला लॉक कर दिया जाएगा। वहीं बीजेपी और आजसू खुद को परंपरागत अलायंस मानती है। एनडीए के अंदर सीटों को लेकर कोई झंझट नहीं है। बहुत स्पष्टता से हमारे नेताओं ने इस पर कार्य करके मत बना लिया है और बहुत जल्दी हम अपने गठबंधन में शामिल साथियों के साथ सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देंगे। केंद्रीय नेतृत्व उसकी घोषणा बहुत जल्दी करेगा। इसमें कौन-कौन दल शामिल हैं? अब वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पे जो भी राजनीतिक दल हमारे साथ हैं, आजसू शुरू से हमारा राज्य में गठबंधन में रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पे जदयू से हमारा गठबंधन है, लोक जनशक्ति पार्टी से हमारा गठबंधन है, सभी है। अब गठबंधन में शामिल दलों को ये देखना है कि वो कहाँ मजबूत हैं, कहाँ उनके संगठन का ढांचा मजबूत है, किस सीट को जीत सकते हैं। गठबंधन में सीटों के बंटवारे का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा, वो है उस सीट को जीतने की क्षमता। ये हम लोग का परंपरागत गठबंधन है। झारखंड के सृजन से लेके झारखंड को संवारने तक का हमारा एक प्रण है और हमारा कोई सीट का लेके वैसा कुछ है नहीं। हम लोग का विनिबिलिटी फैक्टर है इसमें और देखिएगा बड़ा स्मूथली हम लोग देखिएगा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग एनडीए वाले सारे 81 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 81 सीट में पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और आजसू की जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के आह्वान पे सारे कार्यकर्ता एक एक जन जन, क्योंकि ये जो सरकार ने जो ठगा था उस चीज़ को ठगा है, जो युवाओं को ठगा है उसको चेंज करने की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग 81 सीट पर लड़ रहे हैं। ये तय है कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन और एनडीए की सीधी लड़ाई होनी तय मानी जा रही है, लेकिन जहां तक कांग्रेस और जेएमएम की बात है तो वो अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और देखना होगा कि वो अपने पत्ते कब तक खोलते हैं और उनकी सीट शेयरिंग का क्या नतीजा निकलता है। सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।